नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। दर्शकों, आज इस अंक में हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पर, एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विषय पर और एक ऐसे रोग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी नुक्कड़ पर आपको मौजूद मिलेगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों, नशा, शराब या यूं कहें कि किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की लत लग जाना और उसे छुड़ाने में सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन तब भी हम किसी भी व्यक्ति की वो लत को उससे दूर नहीं कर पाते हैं। बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं अगर इस तरह के या किसी भी प्रकार के नशे, शराब या किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ से के नशे से हम अगर उसके आदि हो जाते हैं। दर्शकों, इसी विषय में आज हम बात करेंगे और हमें जागरूक भी करेंगे कि नशे से कितने गंभीर परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इससे, ऐसे नशे से आप छुटकारा पा सकते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, श्री श्री 1008 आयुर्वेदा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज। तो सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत हम करते हैं कार्यक्रम में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। तो शुरुआत हम करते हैं दर्शकों, लेकिन आपसे शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आपके भी परिवार में या आपका, आपके परिवार का भी कोई सदस्य नशे की हालत में है या नशे से लत है या फिर नशे जैसी गंभीर बीमारी से, गंभीर रोग से ग्रसित है, आप भी छुटकारा अगर पाना चाहते हैं तो आप देर मत कीजिए बिल्कुल भी। फोन नंबर लाइंस आपके सामने हैं, आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हैं, आप कॉल कीजिए। स्वामी जी हमारे साथ बैठे हैं आपकी समस्या का समाधान लेकर। तो सबसे पहले स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही गंभीर विषय है नशा। स्वामी जी, अगर आज हम किसी भी घर की बात करें, किसी भी परिवार की बात करें, तो उस परिवार का कोई ना कोई सदस्य ऐसा है जो नशे का आदि है, नशे की हालत में वो लत हो चुका है, तो क्यों ऐसे हमारे समाज की ऐसी विडंबना क्यों है स्वामी जी, और क्या इसका समाधान निकलेगा? आप देखिए, नशा कई तरीके से होता है। आज के कुछ लोगों ने इसे स्टेटस सिंबल बना लिया है और कुछ लोग अपनी विषम परिस्थितियों में संघर्ष ना कर पाने पर नशे को समझते भी, नशा कर लेते हैं तो नींद आ जाती है, बस इसके साइड इफेक्ट को कोई नहीं समझ पा रहा है। जैसे एक आदमी के परिवार में कंट्रोवर्सी है, डिस्प्यूट है, फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो शाम को शराब पी लेता है, गांजा पी लेता, बोलता है यार थोड़ा रिलैक्स होकर सो जाते हैं, लेकिन उसकी समझ में ये नहीं आता है कि मैं विनाश की ओर जा रहा हूँ। जिस तरीके से बीमारी कम्युनिटी में ब्रेक कर देती है और एक घर से और राष्ट्र तक का विकास रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई घर में कैंसर हो गया है तो आदमी, बाप को कैंसर है तो बेटे की पढ़ाई बंद हो जाएगी, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ऐसे ही नशा है जी। नशा अगर जीवन में आता है तो दैहिक, दैविक, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक सारी चीजों का पतन हो जाता है, और जब ये सारी चीजों का पतन हो जाए तो राष्ट्र का भी पतन सुनिश्चित होता है। बिल्कुल दर्शकों, अगर ऐसी ही बीमारी आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ है या ऐसा ही रोग अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ है, नशे का आदि अगर वो है और आप छुटकारा पाना चाहते हैं इस चीज़ से, तो आप कॉल कीजिए। फोन नंबर लाइन आपके टीवी स्क्रीन्स पर लगातार चल रही है और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्वामी जी, आज के समाज के या आज के युवाओं की बात करें या किसी भी वर्ग की अगर हम बात कर लें, मानसिकता ये बन गई है अगर हम सिगरेट पी रहे हैं या अगर हम शराब पी रहे हैं तो उससे हमारी परेशानियाँ, हमारी चिंताएँ, हमारा तनाव खत्म होता है, ऐसी मानसिकता है, क्या यह उचित है, क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो एक्चुअल क्या है कि जैसे हम कई बार छोटी सी चीज को लेकर जाते हैं और बाद में उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कई बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने कभी सौंफ छोड़कर कुछ भी नहीं खाया हो, सौंफ भी नहीं खाया हो, कहीं शादी पार्टी में जाएंगे, एक बार दो बार पैग मारते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, बाद में ये शरीर उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है और उसकी बॉडी डिमांड करती है वी वांट अल्कोहल, हैबिचुअल हो जाता है वो। वाकई में शराब को एक इंसान नहीं पीता है, इंसान की जिंदगी को शराब पी जाती है। बिल्कुल, ये हमारी सोचने की शक्ति है और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वरीय दायित्व तो जो हमने सीना खोल करके स्वीकारा है उसको पूरा ना करना, उससे मुकर जाना, यह असाधारण कायरता भरा कौशल कहलाता है। इसलिए नशा तो जिंदगी में, आपको बता दें कई बार ऐसे सिचुएशन आए हैं कि जिन्हें डायबिटीज है वो भी ड्रिंक करते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट ड्रिंक करता है तो 40 मिनट डेली अपनी उम्र को कम करता है जी। अगर आजकल जैसे लोग सुल्फा पीते हैं, गांजा पीते हैं,
बहुत सारी चीजें पीते हैं। गांजा पीने वाले से उसका यौवन छीण हो जाता है, उसका दाम्पत्य, उसका पारिवारिक जीवन व्यर्थ हो जाता है। जी। नशा करने से अगर मान लीजिए आप शराब पीते हैं तो आपको लीवर इन्फेक्शन हो जाएगा, और लीवर इन्फेक्शन होने के बाद बहुत सारी डिजीज आ जाएंगी। तो इतनी सारी बीमारियों को ना बुलाएं, अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले सिर्फ एक ही लक्ष्य छोड़ दें। सबसे बड़ा नशा अगर आप पालना चाहते हैं तो नशा है अपने दायित्व को पूरा करना, अपने पैतृक, अपने माता पिता की सेवा, अपने कर्म को पूरा करके समाज में यश कीर्ति प्राप्त कर लेना। उससे उस चीज का नशा करो, आप अपने डेवलप का नशा करो कि भाई मुझे और आगे जाना, मुझे और आगे जाना। उससे बड़ा नशा शराब का नहीं होता। बिल्कुल दर्शकों, नशा एक अभिशाप है, एक ऐसी बुराई है दर्शकों, नशा जिससे आपका जीवन का अनमोल समय एक उचित समय के आने से पहले ही स्वामी जी नष्ट हो जाता है। और दर्शकों, आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य इसका शिकार हो चुका है, नशे का शिकार अगर हो चुका है, आप चाह रहे हैं लेकिन चाह कर भी आप इस लत से, इस रोग से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप देर मत कीजिए, केवल फोन उठाइए, नंबर घुमाइए। फोन नंबर लाइन आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर बताया जाएगा। स्वामी जी, आपके सद्गुरु जनसेवा केंद्र पर आयुर्वेदिक इलाज इसका किस तरह से किया जाता है? देखिए, दारू या शराब या नशा छोड़ने का सबसे बड़ा इलाज है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानसिकता आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी मानसिकता है कि नहीं बस मुझे ये छोड़ देना है, साधारण एग्जांपल, आपके घर के आगे दो गाड़ी लगी हैं, आप चाबी अपनी ही गाड़ी को लगाते हो, दूसरी को नहीं लगाते हो, तो यहाँ पर ये होता है कि ग्रीड फैक्टर एंड फेयर ऑफ लास्ट टू पॉइंट इज मोस्ट योर सक्सेसफुली लाइफ। जब तक किसी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैं शराब पीता हूँ तो मैं शराब को नहीं बल्कि शराब मेरी जिंदगी को पीता जा रहा है, तब तक वो शराब को पीता है। और जिस दिन उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शराब को नहीं पीऊंगा, अब इससे मेरा विनाश हो रहा है जी, तब वो इसे छोड़ देता। हमारे यहाँ की व्यवस्था है, देखिए हमारे यहाँ आध्यात्मिक चर्चाएं समझाई जाती हैं, कुछ सत्संग की बातें समझाई जाती हैं जी, और जो बंदा परमानेंट ड्रिंक करता है नो डाउट उसकी इम्यूनिटी पावर डिफेंसी कम हो जाती है। ठीक है, हम उसको इम्यूनिटी पावर डिफेंसी की टॉनिक्स अपने हर्बल से बना करके देते हैं। अब उसके शरीर में जो चीज उसको छुड़ाने के लिए भी, जैसे मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, ज्यादा नहीं, नॉर्मली आप प्रैक्टिकल करिए, नॉर्मली प्रैक्टिकल अगर आप करेंगे तो आप अपने घर में जा करके जी, अपने घर में जा करके जो आदमी शराब पी रहा हो उसको 50 ग्राम सौंफ शाम को पानी में भिगा दिया जाए, ठीक है, और सुबेरे उसमें 20 ग्राम मिश्री मिला करके, उसका अर्क मिला करके उसे पीने को दे जी। धीरे धीरे आप उसे देते रहिए और समय से उसे भोजन करा दीजिए, क्योंकि इसकी एक वृत्ति है, अगर शराब पीने वाला 5 बजे भोजन कर लेगा तो फिर वो शराब पीने नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें पारिवारिक माहौल से भी होती है, जैसे सौंफ, मिश्री और एक कंटकारी होता है, ये तीनों का सही तरीके से क्वाथ, अर्क या सिरप बनाकर दे देते हैं तो उसके अंदर की जो कमी है वो पूरी हो जाती है और वो शराब की तरफ से धीरे धीरे मुख मोड़ लेता है। तो स्वामी जी, हम क्या आपकी ये वाली बात मान ले, अगर कोई व्यक्ति कई सालों से, मान लीजिए 25 सालों से, 20 सालों से या 30 सालों से, 40 सालों से अगर वो इस नशे का शिकार है, इसका लत उसे है जी जी, तो क्या आप जो आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा उन्हें? 1 महीने के अंदर वो शराब को पिएगा तो उसे वोमिट हो जाएगी जी, शराब के पीते ही उसे उल्टी हो जाएगी, और दवाई का खर्चा भी कोई इतना बड़ा नहीं रहता है, जितना वो एक दिन की पार्टी करता है उतने वो ठीक हो जाते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं स्वामी जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम स्वाति है। जी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। जी बताइए, सवाल रखिए अपना। जी मेरे पति हैं वो रोज सिगरेट पीते हैं जी, और कई बार मैंने उनकी छुड़वाने की कोशिश भी करी पर वो नहीं छोड़ते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? ऐसा है कि निकोटीन के हैबिचुअल हो जाने के बाद वो बार बार चीजें तड़प करती हैं। स्वाति जी, ज्यादातर उनको बोलिए कि वो अपने आप को व्यस्त रखें, जब वो जहां पर भी ऐसे लोग रहते हैं उनसे दूरी बना के रखें, एक जनरल सब्जेक्ट है, और उसके लिए आप हमारे यहाँ से दवा मंगवा लीजिए, उनकी निकोटीन की कमी कंप्लीट हो जाएगी और धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसमें इम्यूनिटी पावर डिफेंसी भी कम हो रही है, इरिटेशन बढ़ रहा है, यवन शक्ति छीण हो रही है, और अगर ज्यादा अगर इसको करते रहेंगे तो लंग्स में कैंसर के भी चांसेस होते हैं।
जी स्वामी जी, हम चाहेंगे कि आप जागरूक करें और हम सभी को, दर्शकों को ये बताएं कि क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हैं किसी भी प्रकार के कैसे भी नशे को लेने से। देखिए, नकारात्मक प्रभाव अगर आप मेरे से नशे की बात करेंगे तो शून्य से शून्य की गति है। मेरा तो आयुर्वेद का है, लेकिन फिर भी संत होने के नाते मैं आपको प्रैक्टिकली काफ़ी चीज़ें बता दूंगा। आजकल एक लड़का अगर एक सिगरेट पीता है तो लड़कियां भी होड़ लगाने लगी हैं कि मैं चार पी लूँगी। लड़का अगर एक पैग मारता है तो लोग और ज़्यादा कर रहे हैं, इसका स्टेटस सिंबल बना लिया है जी। कोई भी सास अपनी बहू को शराबी या नशेबाज नहीं लाना चाहेगी, कोई भी बेटा अपनी बहू नहीं लाना चाहेगा, और अगर आ भी जाएगा तो कुछ दिनों बाद डाइवर्स हो जाएगा, यानी परिवार ही नष्ट हो गया। अगर एक बच्चा बार बार ड्रिंक करता है, बार बार नशा करता है, तो उसकी यौवन शक्ति छीण हो गई, फिर उसके लिए वो हैबिचुअल हो गया। हैबिचुअल होने के बाद ऐसा है कि आप अगर मान लीजिए आपकी लत बन गई। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण है हमारी बढ़ती हुई आवश्यकता। अगर हमारी नीड्स नहीं पूरी होंगी तो हम उसके लिए पापा की जेब से पैसे भी चुराते हैं, मम्मी के दागिने भी बेच देते हैं, कहीं नहीं अनैतिक काम करते हैं, हम क्राइम भी करने लगते हैं। तो ये पूर्ण रूप से सृष्टि के विनाश का ही संकेत है। कितनी चीजें आपको बताएंगे, आपको दैहिक नुकसान है, दैविक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है, पारिवारिक नुकसान है, और बाद में ये हो जाएगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जी चलिए, दर्शक हमारे से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। स्वामी जी, जी नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? विवेक बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी रखिए सवाल अपना। मेरा सवाल है कि मेरा मोटापा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या करूँ? जी आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, आप कहीं बियर वगैरह पीते हो? हाँ जी, बियर वगैरह तो नहीं पीते ना आप? नहीं सर, नहीं बियर। ओके, आपका हाइट कितना है और वजन कितना है? सर हाइट होगी मेरी 5'11" और वजन 90 से ऊपर है सर। ठीक है, आपका वजन ज्यादा है। आपका शारीरिक का मतलब जो काम नहीं करते हैं, मतलब शरीर से कोई कम काम है, बैठने का काम है, तो आप हमारे यहाँ से मंगवा लीजिएगा। ब्रह्मांड बल पाउडर आता है और साथ में ब्रह्मांड पाचक और एक तेल आता है, उस तेल को पूरे स्टमच पे लगाते रहिए, समय से वो पाचक चूर्ण को सुबह शाम लेते रहिए, और हमारे जो पाउडर्स हैं उसको एक चम्मच सुबह शाम लेते रहिएगा। और दिन भर आप गर्म पानी का सेवन करेंगे तो आपका वेट 1 महीने में 5 किलो कम हो जाएगा बिना किसी साइड इफेक्ट। बिल्कुल, तो ये मेडिसिंस आप शो के बाद कॉल कीजिए, डिटेल्स आप ले सकते हैं, शो के बाद कॉल करके आप मंगवा सकते हैं इन आयुर्वेदिक मेडिसिंस को जो स्वामी जी आपको बता रहे हैं। अगले कॉलर की तरफ चलेंगे स्वामी जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं प्रीति बोल रही हूँ, दिल्ली NCR से। जी बताइए। मेरा एक भाई है वो तम्बाकू का सेवन करता है लगभग 1 या 2 ईयर से, तो इसका क्या साइड इफेक्ट है और उसका छुड़ाने का क्या ये हो सकता है दवाई? देखिए प्रीति जी, तंबाकू, सिगरेट और गुटखा, जिस तरीके से हम गुटखा खाते हैं तो गुटखे का नॉर्मली प्रभाव आप देखते जाइएगा, तो धीरे धीरे आ करते हैं तो हमारा मुंह बहुत ज्यादा खुल रहा है, धीरे धीरे कम खुलने लगेगा, यानी वो माउथ कैंसर का इंडिकेशन होता है। तंबाकू को अगर हम इसके नीचे दबाकर ज्यादा समय सेवन करते हैं, चूने का सेवन करते हैं, तो आपके टंग्स में कैंसर के चांसेस बन सकते हैं, और इन दोनों को छोड़ दें तो आपकी आयु बढ़ सकती है। छुड़ाने के लिए उनको बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। ऐसे में अगर आप तंबाकू खाकर अपने परिवार में कहीं बैठते हो, समाज में बैठते हो, उसकी गंदी स्मेल से लोगों को है ना काफी नुकसान होता है, और कोई भी आपकी तरफ देखना चाहता है तो घृणा की दृष्टि से देखेगा। कहीं भी आप बैठे हैं तो तंबाकू का एक नेचर है, मुंह में डालने से लार जनरेट होता है, लार डालने के बाद आप उससे कई जगह जाते हो जहां थूकने के चांसेस नहीं है, तो आप उससे निगल जाते हो तो आपको लीवर सोराइसिस भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, और उनको छुड़ाने के लिए आप हमारे यहाँ से दवा मंगवा लीजिए, 2 या 3 महीने मेडिसिन लेंगे वो बिल्कुल छूट जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, आप सभी को ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि जो नशा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो या कैसा भी नशा आप करते हो, आप लेते हो, आपके लिए सबसे बड़ी गंभीर ये समस्या है, ये बीमारी है और ये अभिशाप आपके लिए है। आपका अनमोल जो जीवन है वो समय से पहले ही नष्ट हो जाएगा, समय से पहले ही आप खत्म हो जाएंगे, आप बेकार हो जाएंगे, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कैसे छुटकारा पाना चाहते हैं या आप नहीं पा पा रहे हैं इससे छुटकारा, तो आप जरूर कॉल कीजिए। फोन नंबर लाइन आपके लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपको समाधान आपकी समस्या का बताया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगले कॉलर की तरफ चलेंगे स्वामी जी। जी नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार स्वामी जी। जी नमस्कार, बताइए। जी
मेरी मदर के जो बैकबोन में ना प्रॉब्लम है, मतलब सेंटर में एकदम लास्ट वाले हिस्से में ना वो उठ पाती है ना बैठ पाती है, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि आपकी मदर की एज कितनी है? उनकी एज 55 समथिंग है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, L4 में है, 5 में या C में है, उस पे क्लॉथ है? सर ये इतना तो नहीं पता, लेकिन सेंटर में बैकबोन में है। ओके ओके, आप एक काम करिए, उनको भी फिलहाल में तो गद्दे पे सोना बंद करवा दीजिए, वजन उठाना बंद करवा दीजिए, और हाइपर डिप्रेशन हो या परिवार में टेंशन हो, क्रोध शांत रखें, और आप एक बार मुझे दिखवा दीजिए, क्योंकि ये कहने के लिए बड़ी छोटी और है बड़ी लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज किसी भी तरीके से आप मान करके चलिएगा एलोपैथ में नहीं है। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब अट्रैक्शन करेगा, वेट अट्रैक्शन करेगा या ऑपरेशन की बात करेगा, तो 99.5% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ऑपरेशन अनसक्सेस होते हैं। और अगर हो सके तो मैं इसी माध्यम से सारे दर्शकों को बता दूँ कि मुझे आपके यहाँ 4-5 दिन चलते हुए शो करते हो गया है, करीबन 1.5 से 2,000 कॉलर है हमारे जी। तो मैं ज़्यादा लोगों से कभी फ़ोन पे बात नहीं कर पाया हूँ, तो दर्शकों याद रखिए कि कल से और 27 तारीख तक मैं आपको मेरे गुड़गांव फार्म हाउस पे मिलूंगा। मैं ट्राई भी करूंगा जितने कॉलर्स हैं उनसे मैं बात करने की जी। और जिनको ऐसा लगता है वो वहाँ पर ले आए, क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज हैं जिन्हें हम फोन पर आपको नहीं बता सकते हैं। हो सकता है ईश्वर की कृपा है उसकी बोन सेटिंग करें और 10 मिनट में भी ठीक हो सकती है, थोड़ा इंटरनल मेडिसिन देने के बाद उनको। तो एक बार उनको प्रत्यक्ष लेकर आइए, ये मेरा निवेदन होगा। और कल से 27 तारीख के शाम तक जितने भी लोग आएंगे सब मुझसे डायरेक्ट मिलें, जिनसे कॉल हो पाया है या नहीं हो पाया है आकर के प्रत्यक्ष मिलें। बिल्कुल दर्शकों, एक बार फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मकसद और उद्देश्य ही हमारे इस शो का, इस कार्यक्रम का, और स्वामी जी का अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आना केवल यही है कि आप अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी से, समस्या से हम आपको, स्वामी जी आपको निजात दिला सके, आपको छुटकारा दिला सके। 100% आपको फायदा, आपको लाभ आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो स्वामी जी द्वारा निर्मित होती हैं उनसे आपको मिलेगा, इस बात का दावा स्वामी जी करते हैं। तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए और किसी भी प्रकार का की चिंता आप मत कीजिए, बस आपको कॉल करना है, संपर्क साधना है और सलाह आपको स्वामी जी की लेनी है। अगले कॉलर की तरफ चलेंगे स्वामी जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। शकुंतला देवी दवा। हाँ जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? मैडम मेरे को 105 केजी वजन है, 44 के जी मेरा ईयर है, और मेरे जॉइंट पेन है दोनों का पैर में, और थायराइड भी है, चल नहीं पाती हूँ, टॉयलेट में आना जाना, टॉयलेट में बहुत मुश्किल हो रहा है बैठना उठना। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। विशाखापट्टनम से। आपके आसपास अगर आपका कोई बच्चा हो तो उसे हमारे यहाँ जो ईमेल एड्रेस है या हमारे कॉल सेंटर पर फोन करके अपनी रिपोर्ट भिजवा दीजिए, और आपको आर्थराइटिस का जो ये आपका थायराइड का टीडीएस कितना है वो रिपोर्ट दे करके फिर हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल, तो आप अपनी ये डिटेल्स हाँ जी भिजवा देंगे, वो जो फोन स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं ना उस पर आप कॉल कर लो, वहाँ से सब मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, तो आपको अपनी पूरी डिटेल देनी होगी जब आप शो के बाद कॉल करेंगे, आपके रिपोर्ट में क्या क्या है और टेस्ट जो आपने करवाए हैं उसमें क्या आया है, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके एड्रेस पर भिजवाई जाएगी जी। स्वामी जी अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जी, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राहुल है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरे को स्वामी जी से एक बात पूछनी थी। मेरे को सबसे ज्यादा खुजली की परेशानी है, पूरे शरीर पे लाल लाल से धब्बे हो जाते हैं, उन पे खुजा होती है, उनमें पित्त की तरह होने लगा है, पित्त उछलता है। मैं बहुत ज्यादा दवाई बहुत कर ली है, बहुत आयुर्वेदिक भी कर ली, मैंने पंडित जी का देखा हुआ था, इनका बहुत अच्छे हैं ये है, तो सोचा कि इनसे एक बार इलाज करवा के देखें। देखिए राहुल जी, आप कोई डिप्रेशन या टेंशन में तो नहीं रहते हो? क्या टेंशन है? नहीं जी, मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आम वात और पित्त की बीमारी होती है। शरीर पे जो लाल लाल धब्बे आते हैं वो अपने आप मिट जाते हैं और बाद में फिर हो जाते हैं। जैसे आप बैंगन खाना छोड़ दो, रहर की दाल छोड़ दो, चने की दाल छोड़ दो, ऐसी चीज़ों को छोड़ दो, और जब तक आप मेरी दवा नहीं मंगा सकते हैं तब तक नारियल और भीम सेनी कपूर ये दोनों समान मात्रा में मिलाकर शरीर पे लगाया करो, और आप हमारे यहाँ से दवा मंगा लो, है ना। ये रक्त विकार है ना।
बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा जो आपको स्वामी जी ने बताया है। अगले कॉलर की तरफ चलेंगे स्वामी जी। जी नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो जी, नाम बताइए अपना। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। जी बोलिए जी, रखिए सवाल अपना। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप टीवी का वॉल्यूम पहले कम कीजिए, उसके बाद आप फोन के माध्यम से सुनिए हमें। हेलो जी, रखिए सवाल आपका क्या है? हाँ जी, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। ऐसा है कि मेरा भाई दारू सिगरेट सब कुछ पीता है, ठीक है? ठीक है। हेलो भाई, आपका भाई दारू शराब पीता है, आप हमारे यहाँ से दवा मंगवा लीजिए, वो 110% ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको भी उसको माहौल देना रहेगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि जो एक बार बिगड़ गया वो सुधरने की लाख कोशिश करता है, बट परिवार में एक निगेटिविटी हो जाती है, यानी तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा। थोड़ा उसको मोरल सपोर्ट दीजिए और उसे बताइए कि वो अतीत को भूल जाए, आज से नई जिंदगी की शुरुआत कर, जो बिगड़ा है वो सुधर जाएगा, जो रात का मतलब गया हुआ घर को वापस आ जाएगा, और इन दवाइयों से उनको 100% रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन कई बार हम इस भ्रम में, इस नशे के लिए अपने परिवार को खुद ही उसके मुंह में डाल देते हैं, मौत के मुंह में ढकल देते हैं। मान ठीक है, आपका भाई इतने दिनों से पी रहा है, खा रहा है, उसे पॉजिटिव एनर्जी दीजिए कि आप ये दवाइयां मंगाइए, आपका छूट जाएगा। और बेटा कोई नहीं है, होनी बलवान होती है, जो आप करना चाहो आप आगे बढ़ सकते हो। उसे निगेटिव मत, उसे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करिए और हमारे यहाँ से दवा मंगा लीजिए, उसे निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, तो आप शो के बाद जरूर कॉल कीजिएगा, और जो नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं आप 24 घंटे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नशे के आगे कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, लाख अगर हम उन्हें समझाएं भी तो उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं। ऐसे भी परिवार हैं जो अपने घर के सदस्यों से काफी परेशान हैं, वो चिंतित हैं क्योंकि उनके घर का मेंबर नशे की गिरफ्त में आ चुका है। तो वो मेंबर्स, वो सदस्य क्या कर रहे हैं अपने उस परिवार के मेंबर के लिए जो इस नशे की गिरफ्त में आ चुका है? क्योंकि अगर हम उनको दवाई भी देंगे तो वो दवाई का सेवन नहीं करते हैं, तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है, मुझे अब आप सुनिए। आप जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में सल्फर की कमी है, तो उसको जब सल्फर की कमी है तो उसके सल्फर की अगर इंटरनल कमी पूरे होने लगी तब वो उधर से जाएगा। ऐसे अभी ईश्वरीय इच्छा नहीं है और मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं बायोटेक सिर्फ आयुर्वेद से ये चीज भी बनाता हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता है जी, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए जब हम जो दवा बनाते हैं, अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ये मान करके चलिए कि मान लीजिए मैंने शराब पीने के लिए उसको दवा दी है, खाली इम्यूनिटी पावर डिफेंस ही दी है, वो कंटेंट्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स नहीं है, है ना। तो आप ये मान करके चलिए कि वो बंदे के हाथ पैर में स्पार्किंग होने लगेगी, विचलन होने लगा, उसका बीपी डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या होती है कि हमारे आयुर्वेद में सबसे बड़ी प्रक्रिया है महुआ, जो देसी महुआ होता है, थोड़ा सा देसी महुआ, सफेद मूसली और मिश्री, सौंफ, कंटकारी, इनका सेवन करा देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जी। चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं स्वामी जी। जी नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ, मीनाल बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी रखिए सवाल अपना। मैम वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे सर में हेडेक है जी। सवाल कर रहे अपना, सवाल फिर से कीजिए। मैम वो मेरे सर में एक्चुअली हमेशा हेडेक होते रहता है, वो स्वामी जी से एक बार इसका कुछ उपाय है तो बताओ। इचिंग हो रहा है, खुजली होती है, हेडेक? इचिंग नहीं हो रहा है, वो पेन होते रहता है, हेडेक होता है। अच्छा अच्छा, सिर में आपके पेन होता रहता है, कब से हो रहा है ये? ये सर तो मुझे 2 साल से है। कभी एक्सीडेंट हुआ था, कमर में या सिर में चोट लगी थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये सिर में जो हेडेक होता है इसके कई रीजन होते हैं, एक तो हाइपर एसिडिटी गैस क्राइस से भी होता है, दूसरा हम जरूरत से ज्यादा किसी विषय पर चिंतन करते हैं या चिंता करते हैं तब भी होता है। ऐसी स्थिति में आप हमारे यहाँ से दवा भी मंगा सकते हो, और तब तक के लिए 1 चम्मच गाय का घी, 2 से 3 उसमें तुलसी के पत्ते और 1 लौंग, इसको डाल करके गर्म कर लो, और एक एक बूंद आप नाक में डालते रहो दोनों टाइम, दोनों नाकों में, क्योंकि ये नाक है ना, इसमें दोनों दिखते जरूर हैं लेकिन दोनों के एक सूर्य स्वर है और एक चंद्र स्वर है, दोनों पारी पारी चलते हैं, तो दोनों में एक एक बूंद अगर आप शाम और सुबह डालते हो तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसको लाइट मत लीजिए, आगे चल के माइग्रेन का रूप ले सकते हैं।
बिल्कुल दर्शकों, तो स्वामी जी जो भी बातें आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, उन पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इस शो के माध्यम से हम हमेशा ये बताते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या या बीमारी आपको हो, आप उससे निजात पाना चाहते हो, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, संपर्क साधिए। 100% आपको इलाज, आपको लाभ इन आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपकी बीमारी पर ज़रूर मिलेगा। तो देर मत कीजिए, आप भले ही किसी भी जगह पर इस वक्त क्यों ना हो, किसी भी शहर, किसी भी गांव में क्यों ना हो, आप कॉल कर सकते हैं, आप संपर्क साध सकते हैं। संपर्क साधने के लिए फ़ोन नंबर लाइंस लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। अगले एक कॉलर की तरफ चलेंगे स्वामी जी। जी, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम जम्मू से बोल रहे हैं जी। रखिए सवाल अपना। हम जम्मू से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, सवाल रखिए अपना। मैम, मेरा बेटा है कोई 34 साल का है जी, उसको HIV है, वो इलाज नहीं कराता अपना। क्यों? वो शर्म समझता है इस वक्त। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आज आपने, और इस चीज में तो मेरी महारत है। HIV दो तरीके से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसको आप बोलिए कि ईश्वरीय इच्छा से जो मुसीबत या परिस्थितियां आएंगे उससे निजात पाना ही हमारा धर्म है। तो आप मुझे ये बताइए कि उसका CD4 काउंट कितना है और वायरल लोड कितना है? उसका जब शुरू हुआ था तब 0.0 था। ओके, वायरल लोड अभी कितना है? अब इसने आपने दवाई भी शुरू कराई, वो हॉस्पिटल दवाई लेने नहीं जाता। हॉस्पिटल से आपको ART दी जाती है जो सिर्फ इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, और एक लिमिट के बाद वो भी बंद हो जाता है। उसको हार्पिस जोस्टर कब हुआ था आप ध्यान दें, आप एक माह में आपको बता दूं कि HIV से कभी भी कोई भी पेशेंट नहीं मरता, बल्कि HIV से होने वाली पूरक बीमारियों का एक समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। HIV के पेशेंट को सबसे पहले उसका लीवर डैमेज होता है, लीवर डैमेज होने के बाद उसको हार्पिस जोस्टर होता है, ज्वाइंटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, थ्रोट इन्फेक्शन, एट लास्ट TB डिटेक्ट होता है। ये स्लो डिटेक्टर है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसको आप मेरा नंबर दीजिए, मुझसे आकर मिलने को बताइए। कोई जरूरी नहीं है, एक्चुअल आदमी शर्म कैसे कर जाता है कि भी हो सकता है इसने गलत काम किया इसलिए HIV हुआ, ऐसा नहीं है। कई बार हम अच्छा करने जाते हैं तो भी HIV आ जाती है। हाँ, आप मेरी बात सुनिए। कई बार हमारे डॉक्टर्स एक ही पेशेंट पर 4 नीडल यूज कर देते हैं, कई महिलाओं के ऑपरेशन में उनकी थोड़ी सी गलती एक इक्विपमेंट यूज कर देते हैं, या कई बार हम ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड हमारे शरीर में चढ़ाया जाता है, या फिर कई बार रास्ते में हम जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, जिस बंदे को हम निकाल रहे हैं उसको भी HIV है और हम भी निकाल रहे हैं, दोनों के ब्लड, हमें भी इंजुरी होगी, उसकी भी ब्लड एक हो गए, तो भी हो जाता है। इसलिए उसको बोलो कि बेटा आपको ऐसा कुछ नहीं है, इसका पूर्ण रूप से इलाज हो जाएगा। जब तक वो मेरे पास नहीं आता है तब तक उसको सुबह रोज आधा कप गौमूत्र पिलाइए, चुकंदर का रस 200 ml दीजिए, 4 चीकू, बीट और कीवी उसको ज्यादा खिलाते रहिए, उसके शरीर में फीवर ना बढ़ने पाए और उसका वेट लॉस ना होने पाए। बाद में एक बार मुझसे मिलवाइए, उसको बोले शर्म की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने जो दिया उसे स्वीकार करो, निदान परमात्मा के हाथ में है, अगर मैं बताऊंगा उतना वो देख रेख करेगा, तो HIV होते हुए भी 50 साल सफरिंग कराने की मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो आपसे कहेंगे शो के बाद आप जरूर कॉल कीजिए, संपर्क साधिए, और जो एड्रेस, जो पता चल रहा है टीवी स्क्रीन पर, इस पते पर आप आइए, स्वामी जी से आप सीधा मुलाकात कर सकते हैं और जरूर पूर्ण समाधान आपको दिया जाएगा। स्वामी जी, जो भी आज ज्ञान आपने हमें, हमारे दर्शकों को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हो गया है और हमें इस कार्यक्रम में यहीं रुकना होगा। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी से हम लेना चाहेंगे विदा, हमें आप दीजिए इजाजत, नमस्कार। बैंक अकाउंट नंबर है 02612000008481, कोटक महिंद्रा। IFC कोड है KKBK0000261, JMD रीजन स्क्वायर। हमारा पता है सतगुरु जनसेवा केंद्र, सतगुरु फार्म हाउस ऑपोजिट मारुति गेट नंबर 1, दिल्ली रोड, गुड़गांव। पिन है 12201।